नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। गर्ल्स हॉस्टल की फीस में गबन करने वाली फरार महिला वार्डन को 5 महीने बाद पकड़ने में तुकोगंज पुलिस को सफलता मिली है। आरोपी महिला ने हॉस्टल में नकली रसीद देकर लाखों रुपए गलत तरीके से निकाल लिए थे। मामला करीब 5 महीने पुराना है। दिनांक 29 जुलाई 2021 को फरियादी सुनील जैन ने तुकोगंज पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनका सोहम गर्ल्स हॉस्टल है, जिसकी वार्डन ज्योति शर्मा उर्फ जैनो बी ने हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों से फीस लेकर उन्हें फर्जी रसीद देकर धोखाधड़ी की है। मामले में तुकोगंज पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया था, लेकिन आरोपी महिला ज्योति शर्मा उर्फ जैवन बी पति लोकेश शर्मा उम्र 53 वर्ष, पता 214 ए ग्रीन पार्क कॉलोनी चंदन नगर इंदौर तभी से फरार थी, जिसे करीब 5 माह बाद पकड़ा है। पुलिस के हत्या या आरोपी महिला से पुलिस ने धोखाधड़ी की रसीदें सहित नकदी पैसे बरामद किए हैं। जेबुन बी और ज्योति शर्मा करके महिला है, ये सोहम हॉस्टल के अंदर वार्डन थी और इसने वार्डन रहते हुए जो वहाँ के बच्चे हैं उनकी फीस अपने खाते में और अपने कुछ परिवारजनों के खाते में डिपॉजिट करा लिए, जो कि इसको अपने मालिक के उनके जो ऑनर हैं उनके खाते में डालनी थी, और इसके द्वारा जो वहाँ पर पढ़ने वाली बच्चियाँ हैं उनको भी फर्जी रसीद बनाकर दी गई थी, जिस पर 420-467-68 का प्रकरण दर्ज किया गया था और इस लेडी के ऊपर 5,000 का इनाम भी था। इसको गिरफ्तार किया गया और इनका पुलिस रिमांड लिया गया। लगभग 21 लाख रुपए का भी प्रारंभिक रूप जांच में सामने आया है, अभी और आगे पूछताछ की जा रही है। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।